हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द नेशनल टीवी। प्रभास की आदि पुरुष सिनेमा घरों में लग चुकी है। थिएटर्स में पब्लिक के साथ एक सीट हनुमान जी के लिए भी छोड़ी गई है। अगर हनुमान जी गलती से भी ये फिल्म देखने चले आए तो ओम रावत और मनोज मुंतशिर को बहुत कोसेंगे। फिल्म की कहानी तो सबको पता है, मगर मेकर्स ने उसे थोड़ा नया बनाने के लिए रचनात्मक आज़ादी ली है। ये चीज़ भयानक तरीके से बैकफायर कर गई है। अगर आपको लग रहा है कि फिल्म को लेकर बेवजह नकारात्मक फैलाई जा रही है, तो हम आपको फिल्म के कुछ डायलॉग सुनाते हैं ताकि आप खुद फैसला ले सकें। भगवान हनुमान इस फिल्म के कॉमिक रिलीफ हैं। उनके आसपास कई हल्के सीन बुने हुए हैं। मसलन हनुमान जी लंका गए हैं जानकी से मिलने, उन्हें राम की अंगूठी और आश्वासन देने। रावण की सेना उन्हें पकड़ लेती है। इंद्रजीत उनकी पूंछ में आग लगाने के बाद पूछता है, जली? इसके जवाब में हनुमान कहते हैं, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। जब हनुमान लंका से लौटकर आते हैं तो राघव यानी राम उनसे पूछते हैं, क्या हुआ? इसके जवाब में हनुमान कहते हैं, बोल दिया, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। हमने जो भी रामायण देखी या पढ़ी है उसमें राम हनुमान समेत तमाम किरदार ज्ञानी समझदार टाइप के लोग हैं। कम बोलते हैं, काम का बोलते हैं, सभ्य साधारण भाषा में बात करते हैं, मगर यहाँ सब कुछ इनफॉर्मल है, छिछलापन है। रामायण सैकड़ों बरस पहले घटी गई थी, मगर आदि पुरुष देखकर लगता है कि वो कहानी आज घट रही है, वो भी यूपी या बिहार के कोई जगह में। आदि पुरुष पहली बार अपने टेक्निकल पक्ष की वजह से खबरों में आई थी। टीजर के बाद लोगों ने शिकायत की कि ये क्या VFX है। टीजर के बाद लोगों ने शिकायत की थी कि इतना गंदा VFX किसी को पसंद ही नहीं आया था। मेकर्स ने समय लिया, बोले VFX को सुधार कर पिक्चर रिलीज करेंगे। पिक्चर देखने के बाद पता चला कि मेकर्स ने VFX में कुछ सुधार नहीं किया। टीजर में एक्टर्स की शक्लें भी काफ़ी कंप्यूटर जनरेटेड लग रही थी, इन्होंने बस उसे ठीक कर दिया। इस फिल्म में बंदर जैसे दिख रहे अगर उन्हें असल वाले बंदर देख ले तो कांप जाएं। रावण की पूरी सेना गेम ऑफ थ्रोन्स वाले नाइट वॉकर सी लगती है। उसमें कुछ थैग्नोस जैसे दिखने वाले लोग भी हैं। सुग्रीव और बाली ने अपने गले में एक माला पहनी हुई है जो ब्लैक पैंथर की नकल है। आदि पुरुष में एक सीन है जहां राम और रावण की सेना युद्ध भूमि में आमने सामने है। थोड़ी छीट-फूट लड़ाई चल रही है। यहाँ पर राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत और हनुमान गोल घेरा बनाकर खड़े हैं। कैमरा एक गोल चक्कर मारता है और सबकी झलक कैद करता है। ये सीन 2012 में आई पहली द एवेंजर्स से उठाया गया है। इस फिल्म में सिर्फ दो ऐसी चीज़ें हैं जो इस फिल्म को थोड़ी बहुत देखने लायक बनाती है या एकदम ही रसातल में जाने से बचाने की कोशिश करती। अव्वल तो अजय अतुल का बनाया जय श्री राम गाना और बैकग्राउंड म्यूजिक। फिल्म में अपने कई कमज़ोर सीन्स में बैकग्राउंड स्कोर की मदद लेती है। और दूसरी चीज़ है सैफ अली खान। सैफ रावण को भरपूर खतरनाक और डरावना बनाने की कोशिश करते हैं, काफ़ी हद तक इसमें सफल भी हो जाते हैं, मगर फिल्म उन्हें लेट डाउन करती है। एक तो रावण के किरदार की हाइट फिल्म में दिखाने के लिए अन्य सभी किरदारों से ज़्यादा है। जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि रावण किसी वीडियो गेम का हिस्सा है। उनके हिस्से हुए और डायलॉग्स आए हैं, प्लस वो कई मौक़ों पर अजीबोगरीब आवाज़ें निकालते भी सुनाई देते हैं। रीति सेनन के पास करने को ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि फिल्म शुरू होने के आधे घंटे के भीतर रावण जानकी को किडनैप कर लेता है। उसके बाद वो अशोक वाटिका में राघव का इंतज़ार कर रही होती है। दो तीन गानों में दिखती है, अगर उन्हें मौके मिलते तो वो फिल्म को बेहतर बनाने में ज़रूर मददगार साबित होती। राम के किरदार को प्रभास एकदम नहीं जचे। फिल्म में बहुमुश्किल ही उनके चेहरे पर कोई भाव नज़र आता है। इतनी आक्रामकता राम के किरदार पर सूट नहीं करती जितनी इस फिल्म में लादी है। प्रभास को देखकर ऐसा लगता है कि वो बाहुबली के हैंगओवर से निकल ही नहीं पा रहे। ओवरऑल आदि पुरुष को नए ज़माने की रामायण के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और रिव्यूज़ जानने के लिए फॉलो कीजिए हमारे चैनल द नेशनल टीवी।
और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।